अगर ये वीडियो के जरिए कोई भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, एक तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और जो ये इस YouTube को देख करके आएगा उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा और एक गिफ्ट दिया जाएगा उनकी मिसेज के लिए, फिंगर रिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये YouTube वाला की कसम खा के बोला जाएगा, खत्म। देखिए बाद में मुकरिएगा नहीं, 100% सर। क्या लग रहा है आपको, हम अभी कहाँ पे हैं? ये कोई एसी कोच तो नहीं है ट्रेन का? बिल्कुल नहीं, आप शॉक हो जाओगे जान के कि हम लोग अभी एक होटल के अंदर है, और ये ओडिशा का सबसे चीपेस्ट होटल है, और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। अगर आपकी सिटी में इससे सस्ते में होटल मिल जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो गाइस अभी एक छोटा सा टूर मैं आपको देने वाला हूँ इस होटल का, ये इतना सस्ता कैसे यहाँ पे मौजूद है और एसी के साथ, और क्या सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, हम दोनों भाई बहन मिलकर बताएंगे। नहीं, यहाँ के ऑनर से ही डायरेक्ट बात करेंगे, सारी चीजें जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है वही आपको बताएंगे डिटेल में। तो गाइस ये देखिए, ये कुछ नजारा, और ये रहा हमारा बेड जो हमें मिला है, और बहन से ही पूछते हैं कैसा फील हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं एसी कोच में हूँ, वो तो बट ये एसी कोच से भी बेहतर है। Correct. और एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए बाबूराव का स्विच है। अरे नहीं रे, बाबूराव का स्विच है। तो यहाँ पे आपको एक पंखा भी मिल रहा है, हैंगर है, और ये मोबाइल चार्जिंग इनसाइड, ये क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करके रख भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपना बेड बिल्कुल ट्रेन के जैसा फील आएगा आपको। नहीं, ट्रेन में भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, नॉर्मल एसी कुछ नहीं रहते। ये हैंगर है, लाइट है, ओके। यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो, अपना सामान सब है, ओके। और ऊपर पे बिल्कुल ट्रेन के जैसा फील आएगा आपको, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी यहाँ पे रखा गया है। ओह हाँ, प्राइवेसी के लिए आपको यहाँ पे कर्टन मिल जाते हैं, और कुछ इस तरह से पूरा होटल बना हुआ है, और एक मिरर भी है। बहुत ही गजब का फीलिंग हो रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए इस होटल के ओनर से हम लोग बात करते हैं, और पूरी जानकारी देने के लिए हम इस होटल के ओनर से आगे बात करेंगे। और सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आपका नाम जान सकता हूँ? अशोक कुमार छटवानी। अच्छा, तो सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये होटल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि इतना सस्ता होटल उड़ीसा का आप यहाँ रौरकेला में दे सको? सर मैं एक बार मुंबई गया था। ओके। मुंबई पर मैंने उस दिन मेरा पर्स चोरी होने की वजह से बजट कम था मेरे पास, तो खोजते खोजते मैं एक डॉर्मेट्री पे गया। अच्छा, मुंबई के? मुंबई के। ओके। वो फुल एसी डॉर्मेट्री था, 300 रुपये में, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। वाह। और बहुत सारे लोग वहाँ मैं देखा परेशान हो रहे हैं कि कहीं सस्ते में उनको कुछ अच्छी व्यवस्था मिले। बिल्कुल। तो वहाँ मैं रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी से माइंड सेट किया कि ये तो मैं चालू करूंगा चाहे जो हो जाए। ग्रेट। फिर मैं राउरकेला आया, और हमारी ये प्रॉपर्टी थी। अच्छा। फिर बनाया, तो यहाँ मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, लोग भी खुश हैं, बड़ा सिस्टमेटिक बना गया। देखिए ये बेड है, यहाँ मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया है। बिल्कुल। मोबाइल आप लॉक करके जा सकते हैं, सभी को सेपरेट फैन दिया गया है, फुल्ली एसी है। अच्छा अच्छा। लगेज के लिए काफी बड़ा बॉक्स भी दिया गया है। ओ अच्छा, ये हमने देखा नहीं था, अरे वाह। और सीसीटीवी कैमरे की भी सुविधा है, किसी का कोई लगेज नहीं। 100% हाइजीनिक, कोविड को ध्यान में रखते हुए दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि राउरकेला में इस बजट में, चाहे उड़ीसा के अंदर, इस प्राइस में कोई भी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, आपने ये सही कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं सुना था कि इतने कम प्राइस में, ऊपर से एसी, तो वो थोड़ा सा झटका लगा हम लोगों को भी, इसलिए हम भाग के इधर आए देखने के लिए कि सच्ची में ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है और ट्रू है, एसी भी लगा हुआ है। एसी की ये सुविधा है कि डे में हम लोग नहीं चलाते हैं, लोग काम पे जाते हैं, और नाइट हमारा 8 से 8 कंटिन्यू एसी चलता है। बहुत बढ़िया, बस
तो दिन में और हमारे बाथरूम में भी फुल जैक्वर फिटिंग्स लगे हुए हैं। ओके, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अभी बाथरूम अभी अंदर ही मौजूद है या कहां पे? अंदर ही है सर, जो देख लेंगे थोड़ा। ओके सर, ओके, आइए आइए दिखाता हूं आपको। ओके तो गाइस ये रहा वो वॉश बेसिन, भी दो दो मौजूद है यहाँ पे 24/7 पानी यहाँ पे आएगा, कोई टेंशन नहीं। और ये हमारा वॉशरूम, ये वॉशरूम टॉयलेट आपको यहाँ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। गीजर की भी सुविधा है। अच्छा गीजर भी लगा है क्या अंदर? हाँ, ये तो हॉट वाटर भी आ जाएगा। ओ अच्छा, तो गर्म पानी भी मिल सकता है, तो ठंडे के दिनों में आपको आराम मिल सकता है इधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। रतन सा अटेंसिल्स भी दिए हुए हैं, कोई अगर खाना बाहर से लाए तो खाने के लिए पूरी सुविधा है। ओके बढ़िया, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, पूरे घर जैसा माहौल। और गुड नाइट की भी फैसिलिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि फाइव स्टार होटल में छोड़ के कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं। तो गाइस और एक बात, अगर आप ये होटल आते हो हमारे वीडियो के जरिए तो सर बताएंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो के जरिए कोई भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, एक तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और वो वीडियो का अगर वो नाम लेता है कि मैं इस साइट से आया हूँ, तो उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। वो भी एक दो दिन नहीं, पूरी लाइफ टाइम की गारंटी। हमारा प्राइस 250 फिक्स है, वो फिलहाल 2-3 साल तक कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। और जो ये इस YouTube को देख करके आएगा उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा और एक गिफ्ट दिया जाएगा। Perfect. उनकी मिसेज के लिए फिंगर रिंग हम लोग। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर, अब तो लोग भाग के आएंगे ये देख के। आपने ये क्या बोल दिया? नहीं, बाद ये गारंटी और कमिटमेंट है, और ये YouTube वाले की कसम खा के बोला जाएगा। खत्म, देखिए बाद में मुकरिएगा नहीं। 100% सर, क्योंकि हमारी ज्वेलरी की शॉप है और मैं चाहता हूँ सभी को गिफ्ट दिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक तो आप खुद आओ यहाँ पे और अपने दोस्तों को भी रिफर करो। देखो आप यहाँ आके रुको ना रुको, लेकिन एक बार तो आके देखना बनता है आपको। एक रात के लिए भी एटलीस्ट आके देखो कि आप लोगों को यहाँ क्या क्या सुविधा मिलने वाला है। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया, अपने शहर राउरकेला में ये मौजूद है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो अभी, ये इनका सेकेंड फ्लोर है, और सर बोलते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है, यहाँ आपको उससे भी ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। तो सर वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से यहाँ क्या क्या अलग है, क्या मिल रहा है ज्यादा? गद्दे स्पेशल दिया गया है, बैठ करके कंप्यूटर में काम करने के लिए हेडरेस्ट दिया गया है। अरे वाह, वाटर बोतल स्टैंड एक्स्ट्रा है, और काफी सारी चीजें जो रहेगा फील करेगा। तो सर अभी फिलहाल तो ये लड़कों के लिए है। हाँ, ये आगे आपका कुछ प्लान है क्या लड़कियों के लिए भी अलग से? हाँ सर, सर पक्का पक्का बनाऊंगा। तो आप यहीं पे प्लान बना रहे हैं कि किसी और लोकेशन पे? और नहीं, इसी में बनाएंगे, ऊपर दो फ्लोर मैंने स्पेशली लेडीज के लिए प्लान किया है। वाह, तो लड़कियों निराश मत हो, आप लोगों के लिए भी खुशखबरी आगे आने वाली है, थोड़ा सा इंतजार करो। तो सर एक और बात जो सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये एक एक अलग बेड सबको दिया गया है, तो बाहर के भी लोग रहेंगे, तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे आता है, तो उनके लिए आप कैसे लोगों को बता सकते हो कि यहाँ रहना सेफ है? सर पहली बात ये है कि हमारे यहाँ पर ये लॉकर दिया गया है, इस पे ताला रखने की पूरी सुविधा है। ओके, उसके बाद अगर कोई मोबाइल रखता है तो मोबाइल के लिए भी अलग से दिया गया है। ओके, यहाँ पे भी पूरा लॉक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी कभी किसी को कुछ होता है तो सीसीटीवी लगा हुआ है, जो हम लोग देख करके सारा पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। पर आज 1.5 साल होने जा रहा है, ऐसा कभी भी कोई कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आज तक ऐसा कुछ घटना हुई नहीं, बहुत बढ़िया। बाहर से लोग आते हैं, करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी अच्छे कस्टमर्स आते हैं, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो अभी देखिए आप ऊपर चढ़ने के लिए कैसे सीढ़ी यहाँ रखा गया है, माँ कसम, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं और सुबह बम्बई तक हो। वाओ, कितना कंफर्टेबल देखिए यहाँ पे, एक एक 6 फीट से भी ज्यादा लंबा वाला आदमी आराम से सो सकता है इधर, आराम से, बिल्कुल। लग रहा है जैसे 5 स्टार में हूँ। 5 स्टार में? अरे रियली, सच्ची में। तो गाइस आपने देख भी लिया,
जो भी बाहर से आते हैं, खास करके लोग इंटरव्यू के लिए या फिर कोई एजेंट बाहर से आ रहे हैं, उनका कुछ मीटिंग है रौरकेला में और आपको एक या दो दिन में यहाँ से लौट के जाना होता है, तो आप ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हो, तो आपको एक बेटर ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा और बहुत कम दाम में मिल रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि आप भी अगर बाहर घूमने आते हो तो ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हो, और इतने कम रुपए में आपको अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है तो भाई आप बाहर क्यों जाओगे भला। तो गाइज आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है, अगर आप मेरा ये वीडियो देख के यहाँ आ रहे हो तो कितने सारे डिस्काउंट्स आपको मिलने वाले हैं आपको तो पता ही है, राइट। इस होटल का एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कुछ डिटेल्स आपको चाहिए, डाउट है होटल के बारे में जानना है, तो हम यहाँ के ओनर मिस्टर अशोक का नंबर भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप आके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई और देरी मत कीजिए, अगर आप कभी आ रहे हो रौरकेला बाहर से तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहीं आना चाहिए। अब तक जितना भी मैंने कहा सब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से कहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से मैं कुछ रौरकेला के जो आपने आज तक नहीं देखा होगा ऐसा कुछ एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँगा। और तब तक बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कॉमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।